नगर दबोह की पावन भूमि पर विगत 7 दिन से भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस कथा के लिए नगर दबोह में बहुत लंबे समय से तैयारी शुरू हो गई थी। प्रत्येक वर्ग और समुदाय के लोग बढ़ चढ़ कर अपना योगदान प्रदान करने के लिए आतुर दिखाई दे रहे थे। उसका कारण है कि इस कथा के आयोजन नगर की एक ऐसी शख्सियत कर रही है जो नगर में विगत लगातार 35 वर्षों से सामाजिक कार्यों में निस्वार्थ भाव से नगर की सेवा और विकास के लिए समर्पित रही हैं। ये शख्सियत डॉक्टर हर नारायण पारेश्वर के नाम से जानी जाती हैं। इस क्षेत्र में जब बच्चियों को पढ़ाना लिखना रूढ़िवादी सोच समझी जाती है तो लोग बच्चों की पढ़ाने से घृणा करते थे। तब आगे बढ़कर इस शख्सियत ने अपनी दोनों बच्चियों को पढ़ाकर योग्य मुकाम तक पहुँचाने में कामयाबी हासिल की और आज जब डॉक्टर हर नारायण पारेश्वर के पूरे परिवार ने धार्मिक आयोजन से मुंह फेर लिया तो उनकी बेटियों और नगर के वरिष्ठ समाजसेवी राजेंद्र खमरिया ने इस धार्मिक आयोजन को सफल बनाने के लिए नगर से सहयोग मांगा और परिणाम स्वरूप नगर में ऐसी भव्य भागवत कथा का आयोजन हुआ कि पूरा नगर कथा श्रवण के लिए लालायित दिखाई दिया। कथा के व्यास उत्तराखंड के प्रसिद्ध भागवत आचार्य पंडित हरगोविंद वाजपेयी की ओजस्वी वाणी से भागवत कथा का वाचन किया जा रहा था, उसे पूरा नगर आत्मसात कर रहा था। कथा व्यास ने कहा कि धरती पर अधर्म बढ़ने पर परमात्मा अवतार धारण कर पृथ्वी के कष्टों का हरण करते हैं। प्राणी मात्र को केवल परमात्मा पर ही विश्वास करना चाहिए। सांसारिक बंधन तो स्वार्थपूर्ण होते हैं और जीवन में कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। ज्ञानी बनो, अभिमानी मत बनो। रावण तो परम बलशाली और तेज प्रताप ज्ञानी था, मगर अहंकार के चलते वह ऐसा पाप कर बैठा कि स्वयं भगवान को उसे दंड देने के लिए बाध्य होना पड़ा। अभिमानी और अहंकारी धरती पर कोई भी हो, उनका विनाश निश्चित है। और दोनों में एज डिफर कितना है? राम और जानकी में राम पंचदशे वर्षे खड वर्षण मैथिली 15 में से 6 घटाए थे, 9 साल को फर्क है दो में, समझिएगा। सब ठीक है, कृपा करो सब ईश्वर मिलकर के हमारे ऊपर, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, बच्चे ही है। स्नेह बना रहा है आपका, प्रेम बना रहा है सबका, और आपके सब लोगों की कृपा बनी रहे, हमारे परिवार का आपका आशीर्वाद बना रहा है। बस दबोह की जनता से हमारा यही निवेदन है भगवान, ऐसी धार्मिकता और ऐसी निष्ठा देख करके मुझे इस नगर का भविष्य उज्ज्वल प्रतीत हो रहा है। और कुछ कहना चाहेंगे आप नगर दबोह के लिए? इस नगर के विषय में यही अपेक्षा है कि इसी प्रकार के धार्मिक आयोजन इस नगर में सदा सदा होते रहें।